हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब देख रहे हैं उनके लिए उस टाइम का है, गुड नाइट भी है। देख के सोने वाले के लिए गुड नाइट है। तो मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने क्लास सृष्टि क्लासेज और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा में स्वागत करता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको पता है कि हमारे साथ अक्सर एक घटना घटा करता है, साउंड प्रॉब्लम, वही हुआ। आप देख सकते हैं पूरा के पूरा 50 मिनट का क्लास था, जोश जबरदस्त तरीका से हम पढ़ाए थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी, और वो सब साउंड में प्रॉब्लम आया, साउंड किच किच करने लगा, जिसकी वजह से दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं आप लोग के भरोसे कैसा बनता है। आपका नसीब जैसा है वीडियो भी वैसा ही बनेगा, कोई बात नहीं है, नसीब जल्दी ठीक हो जाएगा। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नसीब तुरंत ठीक हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो डिलीट कर देते हैं हम। फिर से पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू से, कोई बात नहीं है, वक्त हमारे साथ ऐसे ही करते रहता है। हमको अपने बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए, जो बुरे वक्त में हार जाता है वही ज़िंदगी में पीछे छूट जाता है। इसलिए देखिए, बाकी हमारे इंजीनियर का कमाल है। देखिए, लास्ट टाइम हम आपको ऐसा ही पढ़ा चुके थे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी अच्छा वीडियो था, जितना भी अच्छा क्वेश्चन था सॉरी, वो हम आपको करा दिए थे। मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन जिस टाइप का एग्ज़ाम में आता है, उस टाइप का सारा सवाल आपको करा दिया गया था। यानी अब हम आगे बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ, देखेंगे क्या है। घबराएंगे नहीं, पढ़ाएंगे हम आपको उतना ही जोश से, टेंशन नहीं लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे बेसिक से चलेंगे, इसलिए ये ना करेंगे कि ट्रिक दिया जाए, जल्दी दिया जाए, अभी नहीं सर ट्रिक चाहिए हमको, तो थोड़ा सा टेंशन नहीं ले, बिल्कुल भी ना घबराए। हम एकदम बेसिक से लेके इसका पूरा डिटेल बाय डिटेल बारीकी से पढ़ाएंगे। और आज ऑफलाइन क्लासेज में भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही शुरू हुआ था, लेकिन जिनका क्लास आज मिस हो गया वो देख सकते हैं, एकदम आज का ही क्लास रहेगा। ये 2-3 दिन थ्योरी, इसका थ्योरी ज़बरदस्त होता है, मतलब जो बेसिक है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो हमको इसका बेसिक समझना है अच्छे तरह, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि ये छोटा सा ट्रिक का वीडियो नहीं कि एक क्वेश्चन का ट्रिक दे दिए आप सीख जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आप जानते थे कि ब्याज लगता है पैसा पे, जो प्रिंसिपल हम देते हैं उसी पे हमको ब्याज भरना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना कि आपको ब्याज पर भी ब्याज भरना पड़े। जैसे मान लेते हैं, समझेंगे यहाँ पे, जैसे आप प्रिंसिपल है आपका 100 रुपये आप किसी से लिए, ठीक है, और वो बोला कि हम 10% आपसे ब्याज लेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, पर सालाना 10-10% वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सब बराबर है, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपया, यानी पैसा कितना हो जाएगा उसका, 110 रुपये। यानी प्रथम साल के अंत में और दूसरे साल के शुरुआत में उसका जो राशि है 10% से कितना हो चुका होगा, 110 हो चुका होगा। उसके बाद अगर इसको वो फिर से छोड़ देता है इंटरेस्ट पर ही, तो फिर से अगर वो 10% लेगा तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इस पे 10%, लेकिन अब इस पे 10% देना पड़े, यानी कि वो जो 100 रुपया है उसका, उस पर भी 10% उसको देना ही पड़ेगा, और प्लस जो 10 रुपया ब्याज था उस पर भी 10% अब देना पड़ेगा उसको। या ओवरऑल कहें तो ये 110 पे 10%, तो 110 का 10% निकालेंगे तो आप जानते हैं 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट से 1 0 घसका दीजिए, 11 रुपया, यानी 121 रुपया उसका हो जाएगा। यहाँ पर भी ये देखिए 10 रुपया और यहाँ 1 रुपया, मिलाए कितना हुआ, 11 रुपये। अगर वो तीसरे साल के लिए छोड़ देता, यानी कि दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के शुरुआत में जो उसका राशि है वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 121 रुपये। फिर से अगर इसको वो छोड़ देता है ब्याज पर ही, तो ये राशि पे फिर 10% उसको भरना पड़ता है। फिर से अगर वो 10% भरेगा तो 121 का 10% 12.1, यानी तीसरे साल के अंत में या चौथे साल के शुरुआत में उसका राशि होगा 133.1 रुपये। यानी कि सर ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या देखे कंपाउंड इंटरेस्ट में?
सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, ब्याज पर भी ब्याज लेना शुरू करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट है 10% और टाइम कितना है, टाइम है 3 साल ले लिया। देखिए ट्री है, ये ट्री मेथड सिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त होता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन को ये हिला कर रख देता है। जैसे स्टार्टिंग में तो इस पे 10% भरना पड़ेगा हमको, पहला साल में सिर्फ इसका 10% हम देंगे, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। याद रखेंगे फर्स्ट साल में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या सिंपल इंटरेस्ट, सब आपका एक के बतवा होता है, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी होता है फर्स्ट साल में। अभी जब दूसरे साल में जाएंगे तो होगा क्या कि इस 100 पे 10% फिर देना पड़ेगा, तो 10 रुपया, लेकिन ये जो ब्याज पहले भरे थे उस ब्याज पर भी 10% भरना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 रुपया और भरना पड़ जाए। अगर तीसरा साल में अगर हम जाते तो ये 100 पे 10% भरेंगे, 10 रुपया भरना ही पड़ेगा, ब्याज 20 रुपया भर चुके हैं पहले, उस 20 रुपये पर भी 10%, तो 20 का 10% कितना आएगा, 2 रुपये आएगा, यू समझ लो जितना यहाँ है ना उसका डबल यहाँ, इसी का 20% है, इसी का इस 20 पर 10%, फिर इस 1 पर भी हमको कितना भरना पड़ेगा, 10% भरना पड़ेगा, इसका मतलब कि 1 का 10% 0.1, ये हुआ हमारा। यानी अगर यहाँ से हम आपसे बात करें कि 1 साल में CI, 1 साल में CI तो 10 रुपया, और CI और SI पहला साल में दोनों सेम होता है, ठीक है। अगर बात करें 2 साल में CI, तो देखिए 2 साल में, 2 साल का ना, दूसरा साल का नहीं पूछ रहे हम आपसे, पूछ रहे हैं कि 2 साल में CI कितना है, दूसरा साल का नहीं पूछ रहे हैं, दूसरा साल का सिर्फ 10 और 1 11 रुपये, लेकिन 2 साल में से सब है 10 10 20 और 1 21, यानी कि 2 साल में CI जो है 21 रुपया है, और अगर सिर्फ SI का बात करें तो केवल कितना रुपया होगा, 20 रुपया। और अगर हम 3 साल में CI का बात करें, 3 साल में CI तो कितना आपका लग रहा है, 33.1। देखिए 10 20 30, यानी कि 30 रुपया, 1 31 और 2 32, 3 33 और 32 और 1 33 और 1 हमारा इधर 0.1, यानी कि 33.1 रुपया। और अगर SI का बात करें तो कितना रुपया होगा, 30 रुपया। अभी आप ये मत समझे कि आपका यही मेथड है CI कैलकुलेट करने का, बस हम तो अभी आपको ट्री बनाना सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि CI लेता कैसे है, लगता कैसे है CI वो। जैसे एक और ट्री बनाइए ना, जैसे यहाँ पे हम एक और ट्री लेते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और रेट फिर से हम 10% का ले रहे हैं, टाइम 3 साल 4 साल कुछ कर सकते हैं, बस आपको समझना है, यहाँ 3 साल ले लेते हैं। अभी देखेंगे कि अगर पहले साल जो मिलेगा इंटरेस्ट फर्स्ट साल हमको इसका 10% मिलेगा, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10,000 का 10% क्या होगा, तो 10,000 का 10% होगा हमारा, 1 0 पीस हटा दीजिए, 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल अगर जाते हैं तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा हमको ब्याज, लेकिन इस पर भी 10% लेगा वो, यानी कितना ले लेगा, 100 रुपया। और अगर तीसरा साल में जाते हैं तो इस पे 10% तो भरना ही पड़ेगा हमें प्रिंसिपल पे, 1,000 रुपये, इन दोनों 2,000 पे भी 10% भरना पड़ेगा, 2,000 का डायरेक्ट इसका डबल, 2 गुना 100, और फिर बाद में इसका 10%, इस पर भी 10% भरेंगे आप तो 100 का 10% कितना आएगा, 10,
यानी अगर हम कहें तो पहला साल में, एक साल में सीआई और एसआई तो दोनों बराबर होता है, कितना है 1000 रुपया। और अगर हम दो साल में सीआई का बात करें तो दो साल में सीआई कितना आया 2100 यानी 2100 रुपया। और तीन साल में सीआई का बात करें, तीन साल में चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा 1000 1000 1000 3000, यहाँ 3310 यानी हमारा 3310 रुपया हमको क्या भरना पड़ेगा, सीआई भरना पड़ेगा। यानी ये हमारा सीआई तीन साल में, मतलब आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ट्री बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर यहाँ से इसी में कुछ आपसे और भी पूछ ले, जैसे मान लेते हैं कि हम पूछ ले आपसे कि दो साल में सीआई और एसआई का अंतर, हम आपसे पूछे दो साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है 2100 और सिर्फ इतना है 2000 हमारा साधारण ब्याज, तो कितना रुपया हुआ अंतर, 100 रुपया हुआ। और अगर आपसे बोले कि ना तीन साल में बचाइए, तीन साल में सीआई और एसआई का अंतर, तो तीन साल में सीआई ये पूरा है 3310 रुपया और तीन साल में एसआई सिर्फ और सिर्फ ये 3000, तो कितना बच जाएगा हमारा 310 रुपया। ये सब चीज़ है, बात का चीज़ है, ये सब हम लोग शॉर्टकट से सीखेंगे। अभी हम आपको बस पूरा, आप बस समझ लीजिए कि हम वो बाउंड्री तैयार कर रहे हैं जिससे आपको सीआई और एसआई में समझने में दिक्कत नहीं हो, क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक ट्री हम बना देते हैं, दिक्कत ना हो आपको, इसलिए एक ट्री और। जैसे हम प्रिंसिपल ले रहे हैं आपको 5000 रुपये, क्या है प्रिंसिपल है। अब ये 5000 रुपये है, रेट अभी 20% कर देते हैं। चलिए हम ट्री बनाते हैं तीन साल के लिए। पहला साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो इस 5000 का 20%, बस। तो 5000 का 20%, 5000 का 10% होगा, 10 हटा देंगे, कितना हो जाएगा 5000 का 10%, तो 5000 का 10% जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ 500 होगा, और 500 का डबल कर देंगे 20%, यानी कि 1000, ठीक है। दूसरे साल में फिर इसी 500 पे 20%, यानी कि 1000 रुपये तो हमको देना ही पड़ेगा, जो मेन पैसा है करता भरा दीजिएगा, आई जो 1000 पहले से दिया बोकरों पर ब्याज देना पड़ेगा, इस पर भी आपको 20%, तो 1000 का 10% 100, 20% यानी डबल कर देंगे 200 रुपया। तीसरा साल में अगर जाते हैं तो 5000 पे फिर 1000 देना पड़ेगा 1000 रुपया, और इन दोनों यानी 2000 राशि जो पहले दे चुके हैं ब्याज में उस पर भी 20%, यानी सीधा इसका डबल 2 गुना 200, और फिर बाद में इस पर भी 20% देंगे, यानी 200 पर 20%, कितना हो जाएगा 10% होगा आपका 20, और 20 पर यानी डबल हमारा 40, यानी आ जाइए एक साल में कितना हो जाएगा हमारा, एक साल में सीआई सिर्फ 1000 रुपया। और अगर दो साल में सीआई का बात करें तो कितना है, यहाँ 2200 रुपया हो रहा है। और अगर तीन साल में सीआई का बात करें तो कितना आ रहा है 3000 3640। आया समझ में कि नहीं समझ में? यानी सर साधारण ब्याज आसान क्यों था, तो साधारण ब्याज आसान इसलिए था कि साधारण ब्याज में हमको ये पता चल जाता था कि अगर 10% का रेट है, 10 साल लगा रहे हैं तो 100% डायरेक्ट 100% निकाल दे रहे तो हमको ब्याज का पता चल जा रहा है। अगर 20% के रेट पर 3 साल लगा रहे हैं तो 60% हो जा रहा है, 5% के रेट पर 6 साल लगा रहे हैं तो 30% हो गुना कर ले रहे। तो उसी तरह से इसमें कोई उपाय नहीं कि नेट रेट निकाल ले, इफेक्टिव रेट यानी कि 10% 2 साल लगाए तो 2 साल में कितना ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिए हम, कोई रेट जैसे 20% 21% या 25% कुछ भी आ जाए, इसमें भी उपाय है,
इफेक्टिव रेट डायरेक्ट अगर दो साल 10-10% दिए तो ओवरऑल कितना परसेंट दे देंगे, वही निकालने का उपाय इसमें भी है। ज़्यादातर ये 2-3 साल तक में क्वेश्चन सिमट जाता है, फिर और भी टाइप का सवाल धीरे धीरे, अभी सवाल पे आए नहीं, बस अभी हमको सिर्फ जाने भी नहीं है सीआई में कैसे कैसे लगता है, अभी तो सीआई लगाया कैसे, ट्री सीआई का ट्री हम लोग बनाया है, बाकी सब चीज़ अभी धीरे धीरे आ जाएगा। इसे देखेंगे यहाँ पे समझाते, जो अभी हम पीछे किए थे ना, ये कहाँ गया, ये आपका ये जो किए हैं अभी, इसी को हम समझाते हैं। यहाँ पे रेट कितना परसेंट है, 10% लिए। अब इसी रेट को थोड़ा हम अनजान लेते हैं, 100% ले, 100 रुपया है, इन 100 रुपया पे हम रेट ले लेते हैं अब की बार 1%। और अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है और धीरे से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिए कितना 1% का रेट है, यहाँ पे 1% का रेट है, तो एक साल में 100 का 1% देने वाले हैं, सबको जानता है 100 का 1% कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, यानी एक साल में जो ये अमाउंट है वो 100+1 हो जाएगा, 100+ कितना हो जाएगा 1, यानी पहले साल के अंत में और दूसरे साल के शुरुआत में ये राशि हमारा कितना हो जाएगा, ये राशि कितना हो जाएगा, तो 100+1 हो जाएगा, क्लियर है। अगर अगले साल के लिए और लगाएं तो फिर 1% का रेट लेंगे हम, यानी कि अब जो 1% लेंगे इस टोटल पे लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि प्रिंसिपल पर लो और जो पहले से ब्याज भरा उस ब्याज पर भी लो। इसका मतलब है कि सर हम 100 पर भी देंगे 1%, 100 का 1%, और सर उस 1 पर भी देंगे हम 1%, यानी ओवरऑल 1+X²/100। नहीं सर, दूसरा साल में ये राशि इतना ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 100+X तो था ही सर, उसमें एगो एक्स और एगो X²/100 जो दूसरे साल में हमको ब्याज के रूप में मिला, यानी दूसरा साल के अंत में और तीसरे साल के शुरुआत में जो आपका राशि हो जाएगा वो 100+X+X+X²/100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक साल और बढ़ते हैं, अगर फिर एक साल बढ़ गया तो फिर 1% ब्याज भरना पड़ेगा, सब पर 1% भरना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस 100 का भी 1%, उस x का भी 1%, फिर एक और x का भी 1%, और फिर X²/100 का भी 1%। और आप खूब जानते हैं ये हमारा कट गया, यानी 1 रुपया इधर से, X²/100 यहाँ है, फिर X²/100 यहाँ है, और फिर X³/10,000, इतना का ब्याज हम इधर से भर दिए, यानी ओवरऑल तीसरा साल में ये राशि कितना हो जाएगा, तो थर्ड ईयर के अंत में या चौथे साल के शुरुआत में जो ये राशि हो जाएगा वो 100+X+X+X+X²/100 और 2 X²/100 और आया हुआ है, ये आपका आ जाएगा, अब प्लस में 1 X³ कितना है, 10,000 है, यानी ओवरऑल हमारा ये राशि 100+X जोड़ नहीं रहे, आप चाहें तो 3X लिख सकते हैं, या इसको X²+X²+X²/100 और प्लस में 1³/10,000, आए समझ में, राशि इतना हो जाएगा। बड़ा भारी लग रहा होगा देखने में, जरूरत नहीं है डरने का, आपको समझाते हैं हम आराम से कि यहां सर हम फॉर्मूला निकालेंगे, यहां से अगर गौर से देखें सर तो ये आपका 2 साल में ब्याज है, ये दिखाई दे रहा है आपका, ये जो है आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल में, यानी यही ब्याज हमको रेट मिल गया 2 साल। अगर 2 साल में रेट का बात करें तो एक्स, 2 साल में अगर रेट का बात करें तो X+X और X²/100 इतना ही परसेंट हमको 2 साल में मिलेगा, क्योंकि उतना ब्याज मिला है 100 रुपया में तो उतने परसेंट हो गया। और अगर 3 साल में देखें तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा जानते हैं, समझिएगा, X+X+X और फिर X²+X²+X
एक्स स्क्वायर बटा में 100 और फिर एक्स क्यू बटा में 10,000। ये हमको कितना साल में मिलेगा? ये 3 साल का रेट परसेंट है। 3 साल में कितना परसेंट हमारा ब्याज हो जाएगा वो यहाँ पे। थोड़ा भारी लग रहा है ना? थोड़ा भारी लग रहा है, एक बार समझिएगा, एक क्वेश्चन में अपने आप कहानी खत्म। जैसे ये क्यों पढ़ते हैं, जैसे 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा और 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, अगर हमको रेट पता है तब। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आइए, अभी आ जाइए यहाँ पे, यह है ना। अगर देखो 100 का राशि 2 साल में कितना हो गया है, 121 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ है? 100 का राशि 2 साल में 121 हुआ है, कै परसेंट बढ़ गया है? 21%। और अगर साधारण ब्याज पर होता, साधारण ब्याज पर होता तो कितना परसेंट बढ़ता? ये 20% बढ़ता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यहाँ देखो 100 का राशि 3 साल में कितना परसेंट बढ़ गया है? तो सर 33.1% बढ़ गया है। सर अगर साधारण ब्याज पर होता तो सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ता? 30% बढ़ता। हम अभी यही दिखाएंगे फार्मूला से डायरेक्ट लाके कि देख कैसे। अगर रेट हमारा कितना परसेंट है, रेट 10% था तो 2 साल में कितना होगा? तो चुपचाप 1 बार 10 और 1 बार 10 और प्लस 10 × 10 स्क्वायर था ना, 10 × 10 बटा कितना है? 100। देखिए 10 और 10 = 20 + 1 कितना हो गया? 21% हुआ कि नहीं हुआ? 21% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हम पता कर लिए ना, हमारे पास आया कि नहीं फॉर्मूला कि अगर 10-10% का रेट लेंगे तो 2% में, सॉरी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना परसेंट हो जाएगा? फॉर्मूला है 2 साल का। और अगर 3 साल का बात करें, अब यहाँ 30 साल का नहीं देगा, 3 साल का बात करें तो 10 + 10 + 10 3 बार, x + x + x 3 बार था, फिर x² 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 / 100 था, उसको लिखेंगे 10 × 10 + 10 + 10 + 10 और बटा में कितना था सर? 100। फिर उसके बाद कितना था? x³ × 10,000 यानी कि 10 × 10 × 10 बटा में कितना? 10,000। 10,000 कितना हो गया आपका? अब देख लिए यहाँ 30 हो गया, 3 हो गया, और प्लस वहाँ 0.1 यानी कितना आ गया सर? तो 33.1% आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो इस तरह से हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकालते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम 2-4 को कराएंगे ना, मन आपका एकदम हरिया आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है? एक बार देखिए, हम बस 2 सेकेंड मतलब 2 मिनट में आए। चलिए आगे देखेंगे, जैसे क्या है और 2-4 देख लेते हैं हम आपको। देखिए अगर रेट हम 3 साल का बात किए, जैसे पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, अगर 5% ले रहे हैं प्रत्येक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज जो है 5-5% का ले रहे हैं, तो अगर सिर्फ 2 साल के लगाते हैं तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? 2 साल में निकालिए 2 साल का रेट CI2, यानी 5 × 5 = 100 यानी 10 + 25 = 100 यानी कि 10.25%। यानी कि अगर 5% पर अगर हम पैसा लेते हैं या 5% पर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 10.25%। और अगर सिंपल इंटरेस्ट का करते तो केवल 10% होता, तो कंपाउंड में प्रॉफिट है कि नहीं 20.25% का? तो यही चीज़ यहाँ पे है। अगर 3 साल में कितना मिलता वो देख लेते हैं, तो 3 साल में देखिए आदत हो जाएगा ना,
तो ये आपके बड़े काम का चीज है, फॉर्मूला तुरंत बना लीजिएगा, तुरंत निकालिए कितना परसेंट मिलेगा। अब तीन साल के लिए ना देखिए, तो पांच 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 क्या बार, तीन बार, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 15। उसके बाद क्या है, पांच गुना पांच प्लस पांच गुना पांच प्लस पांच गुना पांच कई बार, तीन बार। अरे ये लिखेंगे ना पांच गुना पांच प्लस पांच गुना पांच प्लस पांच गुना पांच, बटा में कितना 100। जब आदत होगा तो डायरेक्ट मन में कर लीजिएगा। और फिर पांच गुना पांच गुना पांच बटा कितना सर 10,000, कितना हो गया आपका सी आई तीन जो होगा सर 15% और प्लस पांच पांच दस सॉरी 25 25 25 75/100 यानी कि 0.75 और प्लस इधर कितना है 125 और बटा में 10,000। देखिए चार जीरो है, तीन अंक है, एक जीरो बैठा देंगे, यानी 15 + 0.75 और प्लस 0.0125 जोड़ लेंगे, उतना परसेंट का लगा हमारा। आया समझ में, क्लियर आ गया समझ में? और करे दो चार गो। चलिए 20% का इफेक्टिव रेट निकालते हैं। अगर एक साल पहला साल भी 20% लेते हैं, दूसरा साल भी 20% लेते हैं और तीसरा साल भी 20% लेते हैं, अगर केवल दो साल का बात करें, सीआई दो साल में कितना होगा, तो चुपचाप करना है 20 + 20 और प्लस 20 × 20 बटा में 100। अब देखिए परसेंटेज पर होंगे ना सक्सेसिव चेंज, सेम टू सेम वही है यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा 40 + 400/100 यानी परसेंटेज नहीं लिखे हुए 44%। आया कि नहीं आया? और अगर तीन साल का बात करें तो तीन साल में 20 + 20 + 20 कितने बार, तीन बार, और फिर 20 × 20 तीन बार। देखिए आप ना आदत हो जाएगा तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिख रहे हैं, आप खुद से कर सकते हैं मन में। अब प्लस यहाँ 20 तीन बार गुना करेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब होता है, अब बटा में कितना 10,000, यानी अगर 20% पर देते हैं तो इधर हमारा 60 हो गया। देखिए 20 = 400 फिर 400 और फिर 400 कितना हो गया, अरे 20 20 गुना करेंगे तो कितना 400 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 400 हुआ, कितना हुआ 1200 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1200 को 100 से भाग देंगे तो इधर कितना होगा 12 और प्लस में हमारा कितना होगा 8000। तो 8000 के नीचे चार जीरो है, यानी ओवरऑल कितना परसेंट बन गया, ये 72.8%, यानी कि इतना परसेंट हमको रेट मिलेगा, इतना परसेंट हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कब, जब हम 20 20% पर लगाएंगे, 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट हम सालाना लेंगे, तब का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, कुछ चीज़ कुछ परसेंटेज का दो साल का और तीन साल का हम ध्यान में रखेंगे, वही आपको याद रखना है। जैसे हम देते हैं 3%, CI2 कितना होगा, दो साल में कितना परसेंट होगा और तीन साल में कितना परसेंट होगा याद रखिएगा। ऐसे 3% का, 5% का, 7% का, 10% का, 11% का, 12% याद रखे, चले रखे, ये बनाएंगे आप 15% का, अभी बनाएंगे, सबको विद्या का समय, सब बनाएंगे 20% का, 25% का, 24% का, 22% का, 30% का, 35%, 32%, 40%, 41%, 45% और 50%, इनका आप दो साल और तीन साल का निकाल के कैलकुलेट करिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आगे, जैसे आगे क्या है कि ये हमारा करता क्या है कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, हो सके थोड़ा मोरा ये क्या करेगा, दिमाग लगा देगा, जैसे कि हर साल प्रत्येक साल 20 20% ले रहे हैं ना, कहीं कम कर दे, प्रत्येक साल 20 20% ना लेके ज़्यादा भी ले ले, कोई साल बढ़ा ले। जैसे होता है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि मन में जब लालच आता है तो आदमी बढ़ा लेता है ना रेट, कि नहीं अब हम इतना परसेंट लेंगे अब ज़्यादा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल देते हैं हम अपना, जैसे जब हम हाजीपुर में कोचिंग खोले, पहले स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा रूम लिए थे, मतलब वही 4-5 बेंच लगता था, वो 4-5 बेंच भी मुश्किल से लगता था, तो उसमें उसका जो रूम रेंट था, जो मालिक था ना, वो 1500 या समथिंग, हमको याद नहीं है, लेकिन कम रेंट था, रख लिया, अच्छा कम है ले लीजिए कोई बात नहीं। फिर वो क्या हुआ कि डेली, उसमें 4-5 स्टूडेंट था, डेली आए घूमने, घूमने आता और बात करता आपसे, अब भाई रूम मालिक है तो आप बात करेगा तो करेगा, भगा नहीं दीजिएगा उसके रूम में, तो पढ़ा रहे, तो पूछता क्या सर कैसे हैं, तो हम भी बोलते नमस्कार प्रणाम, मतलब अपने भाषा में प्रणाम अंकल जी, आप कैसे हैं, तो हम भी ठीक है, बताइए क्या क्या हो रहा है,
अब देखना उनका ध्यान कहाँ रहेगा, क्लास में ध्यान रहेगा, अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, से कोई बात नहीं है, पढ़ाइए मन लगा के, बच्चा बढ़ेगा, पैसा कमाइएगा। हम देख रहे हैं हमारे मुंह पे क्यों नहीं देख रहे, बताए वो क्या करते, वो बच्चा गिनते कि इसके इसके क्लासरूम में बच्चा बढ़ेंगे, डेली आएंगे, डेली हाल समाचार लेंगे, क्या है सर, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंकल जी हाल समाचार नहीं पूछते, क्लास में बैठे बच्चा गिनते, देखते कि इसका इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा बात है, वो तुम्हारा उन उससे ज़्यादा शुभचिंतक तुम्हारा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोचेंगे कि तुम मुझे आओ, तुम मुझे आएगा तब तो उनको पैसा बढ़ा के देगा। अब वो बोले अब जैसे ही बच्चा बढ़ेगा, गिन लिए 10 गो बच्चा हो गया, अब तो नहीं बढ़ा दीजिए, महंगाई बढ़ल है, देख रहे हैं बच्चा भी आपके पास बढ़ गया। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब बच्चा क्लासरूम भर गया, उनका रूम रेंट हो गया 4500 रुपया, सबसे महंगा, मतलब हमको तो लगा कि बहुत महंगा कर दिया। तो सबका यही हाल होता है, उनका मूड बदलते रहता है, वो आपका भाड़ा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे आप कमाओगे वो भी भाड़ा बढ़ाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, कभी कदाल इसका भी मूड बदल जाएगा, बोलेगा नहीं हम प्रत्येक साल 20% नहीं लेंगे, कभी आगे पीछे भी कर देंगे। जैसे उसके बाद अगर हम रूम छोड़ के अलग गए ना, तो अलग वाले रूम मालिक भी ऐसे ही, इन्हें पता चला सबको ऐसा ही है, आपका बच्चा बढ़ेगा वो पैसा बढ़ाना शुरू कर देगा, घटेगा तो घटाना नहीं शुरू करेगा, याद रखिएगा घटने पर घटाता होता था नहीं है, ये तो सीधा सीधी विचार है, ये पॉलिसी है। बचपन में समोसा खा देते, 1 रुपया में समोसा खा देते, धीरे धीरे हमारे गांव में समोसा का रेट बढ़ते चला गया, समोसा बड़ा बोले कि आलू महंगा है, आटा महंगा है, सब कुछ महंगा है, करते 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 जब बढ़ जाए फिर आलू का रेट नहीं था तो वो रेट नहीं कम करेगा, उसका तो भाई यहाँ आ गया, फिर उसका तो बढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ है कि बदलते रहता है, जैसे अगर मान लेते कि उसका मूड खराब हुआ, बोले नहीं पहला साल ना हम 10% लेंगे, पहला साल 10% लेंगे, दूसरे साल चाय भी ठंडा हो गया, दूसरा साल बोलेगा दूसरा साल हम 20% लेंगे। अब 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये पता करिए, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 साल में 10+20, वहां सेम था ना, अलग अलग है, और वहां इसलिए गुना में लिखते हैं हम, 10 गुना क्या 20 और बटा में 100, यानी कितना हो गया सर, 30 और 200 बटा 100 2, यानी कि 32%। अगर यही बोलते कि एक और साल कर दिए और 30% ले लिए यहाँ पे, तो अब 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना रेट हो जाएगा, कै परसेंट भरना पड़ जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे 10+20+30 और उसके बाद फिर करेंगे 10 गुना 20, दुद्दू का गुना करेंगे, फिर 20 गुना 30 और फिर 30 गुना 10, अब बटा में कितना 100, अब प्लस में तीनों का गुना 10 गुना 20 गुना 30, अब बाई में कितना 10,000, अब कितना हो गया हमारा, ये 50 और 10 60 हो गया। देखिए यहाँ पे 200 और 3 दुना 600 और 300, 600 300 900 200 1100 और नीचे 100 यानी 11 आएगा, और उसके बाद 6 6000 बटा में 10,000 यानी कि 0.6 कितना होगा 6, यानी कि 71.6% भरना पड़ेगा हमको, अगर 3 साल लेगा, 1 साल 10%, 1 साल 20% और 1 साल 30%, तब जाके 3 साल का बात करें तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे कितना ऐठ लेगा वो, तो सर 71.6% ले लेगा। जैसे तो ये है आपका, आप इसको दोहरा के देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, अब इससे आपको कोई भी डाटा निकालने के लिए बोले 2 बार 3 बार का, जैसे और एक कर लेते, जैसे पहली बार वो पहला साल 5% ले रहा है और दूसरा साल ले रहा है 8%, तो 2 साल में कितना ले लेगा, तो आप लिखेंगे 5+8 और 5 गुना 8 बटा में 100, 8 5 13 और 40 बटा 100 यानी कि 13.4% ले लेगा, कितना लेगा, समझ में आया। अगर और कर लेते, नहीं पहला साल वो लिया ब्याज 3% का और दूसरा साल लिया वो 7% का, तो टोटल ब्याज कितना ले लिया, कै परसेंट, तो 3% प्लस में 7% और प्लस 3 गुना 7/100%, 7 3 10 70 21 यानी कि 10.21% का वो क्या ले लेगा, हमसे ब्याज ले लेगा। तो जो आज आपको सीखा है वो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्या है ना, कि अभी सिर्फ आपको हम बताए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कितना है, यानी किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करते हैं, वो कितना ब्याज हमसे लेता है,
कैसे ब्याज पे ब्याज लेता है, किस तरह से इफेक्टिव रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव रेट निकालना सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर 10-10% दो साल ले रहे हैं तो दो साल में कितना परसेंट ले लेंगे, इसी से हम जल्दी निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी और भी शॉर्ट ट्रिक्स है, और भी मेथड है, अभी तो हम लोग क्वेश्चन शुरू नहीं, अभी समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूरी तरह से शुरू नहीं किए, अभी बहुत कुछ सीखना है हमको इसमें, इसलिए वीडियो में तब तक बने रही जब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं जाते हैं और क्वेश्चन आपसे बनने नहीं लगता। हम गारंटी लेते हैं कि आपसे CGL, CHSL और जहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा आप उसको आराम से जितना देर में बनना चाहिए उतना देर में बनाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि 15 सेकेंड में बने, अरे 15 सेकेंड में तो क्वेश्चन ही पढ़ता है आदमी, 10-12 सेकेंड तो उसको क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है, समझने में लग जाता है, मोटा मोटी आप आधा मिनट का समय लेके चलिए, आधा मिनट आप आराम से क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, एक मिनट भी लगाते हैं तो 25 क्वेश्चन करने में अप्रोक्स आप 20 मिनट और 17 मिनट में आप घीस लीजिए इसको, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, आपको मैथमेटिक्स के लिए समय मिल जाता है। अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा देख लेंगे, होता क्या है कि गलती कहाँ करते हैं हम, जब पेपर देने जाते हैं ना इसको लगा ही लेते हैं, थोड़ा और जब समझाना है तो हाथ में कब तक लेके चले, जैसे हम किस तरह से एग्जाम में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, कि उनका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है ना पहले उसी पे कूद पड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं करिए, आपका जो सब्जेक्ट है अच्छा वो तो ठीक है ना, आप उसको कभी भी घीच सकते हैं, इसलिए जब भी आप SSC देने जा रहे हैं ठीक से, खासकर SSC वाला ध्यान देना, कि जैसे हम पेपर उठाते हैं CGL, तो CGL में जो प्री होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें मैथ्स होता है, 25 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, रीजनिंग का कितना क्वेश्चन होता है, तो रीजनिंग का भी 25 होता है, और इंग्लिश का कितना होता है, इसका भी 25 होता है, GK, GS या करेंट अफेयर सब मिलाए कितना होता है, 25 क्वेश्चन होता है, इसके लिए आपको समय कितना मिलता है, 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा नहीं मिलता है, 1 घंटा मिलता है। अब इतना क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलता है तो एक क्वेश्चन एक सेक्शन पर वो कितना मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब हमारा मैथ अच्छा है मैथ पे लग जाते हैं, रीजनिंग अच्छा हम रीजनिंग पे लग जाते हैं, कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमारे सब जब हम पहला बार SSC दिए थे ना तो उस समय हम यही गलती की थी कि हम मैथ है मैथ पढ़ा रहे रीजनिंग पढ़ा रहे मैथ रीजनिंग में लग गए, कोई बात नहीं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था वो, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमसे गलती हुआ था, उसको हम अपना गलती मानते हैं। क्या है हम बताते हैं आपको कि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो सीधा सीधी करिएगा कि जब SSC में बैठे हुए आपको क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि GK को उठाइए, सबसे पहले GK, आप समझ रहे हैं कि GK पढ़ने में आपको जितना देर लगेगा सवाल उसको बनाने में बस पढ़ते पढ़ते बन जाता है, उसके अलग से आपको याद है तो बनेगा, याद नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, छोड़ देना है। पढ़ने में कितना क्वेश्चन आएगा, GK का एक क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल से 10-12 सेकंड बहुत है, 10-12 सेकंड बहुत है, इतना में आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब सीधा सीधी कहे तो हम जहां तक कहते हैं कि 4-5 मिनट में आप इसको देख जाइएगा, देखिएगा 4-5 मिनट में आप GK GS देख जाइएगा, समझिए ध्यान से 4-5 मिनट का GK कंप्लीट, और इंग्लिश भी आपका वही चीज है, पढ़ते पढ़ते यह भी बनने वाला है, पढ़ेंगे और बनेगा अगर आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और अच्छे तरीका से तैयारी की है तो। लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश में जैसे थोड़ा सा हमारा आ जाता है क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स होता है या कुछ इरर पकड़ने वाला है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। हम मान लेते हैं हमारा जो स्पीड है हम कह रहे हैं 12-13 मिनट में ये ख़त्म, 15 मिनट भी मान लीजिए ना 17 मिनट भी मान लीजिए, यानी कि अगर आप देखा जाए तो आप ओवरऑल हम कहें तो 20 मिनट बहुत हो गया, 20 मिनट में आपका ये दोनों खत्म होगा अगर आपका तैयारी सबसे अच्छा हो चुका है, बेस्ट तैयारी और बढ़िया से आप किए हुए तब। तैयारी में टीचर कोई मायने रखता है, तैयारी में आपका सेल्फ स्टडी आपका मेहनत रंग लाता है, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं 20 मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट, जानते हैं आपके दिमाग पे क्या असर आएगा, 20 मिनट खत्म, 40 मिनट बचा हुआ है और 50% पेपर भी खत्म है आपका, यानी आधा पेपर आपका खत्म है, मात्र आधा पेपर बचा हुआ है जिसमें आप तेज है, मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आप मैथ रीजनिंग में तेज है, और यही काम करेगा 40 मिनट में आधा पेपर खत्म, आधा पेपर का प्रेशर खत्म, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधा पेपर है और 40 मिनट में मैथ रीजनिंग आप आराम से मार सकते हैं। हम लिख के देते हैं 5-7 मिनट आपके पास बच जाएगा पूरा पेपर एक बार देखने के लिए, आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए, एग्जाम में नहीं ट्राई करिए, टेस्ट सीरीज लगाते होंगे ना
टेस्ट सीरीज में इसको देखिए जाके, उसी तरह से करिए। लेकिन जब यही काम उल्टा करते हैं तो 40 मिनट लग जाएगा, 30 से 40 मिनट अगर आप लगा देते हैं किसमें, मैथ में, उतना ही समय लगा रहे जितना नीचे से करके जा रहे हैं। 40 मिनट अगर मैथ नहीं लगाते हैं, बचेगा आपके पास 20 मिनट, और आपके दिमाग में क्या रहेगा, अभी तो दो सेक्शन मेरा बचा हुआ है, अभी मेरा आधा पेपर बचा हुआ है, और यहीं पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपका पेपर हो जाएगा खराब। जहां तक हमारा मानना है, आप इस तरह से एक बार टेस्ट सीरीज में लगा के देखिए। बाकी हर स्टूडेंट का अलग अलग अपना स्टाइल होता है, अपना स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन कभी सुन के देखिए, करके देखिए, फायदे हो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आप लगाते हैं लगाते रहिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, समझ में आ रहा है पढ़ाई करें, अगलों को भी बताएं ताकि उसका भी ना छूटे, वो भी पढ़े। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।